भंटू भंटू तीन टकले भंटू भंटू बिग बॉस पचनवा। हेलो ए बिग बॉस, अरे हम नकबलिया बोल रहा हूँ बे। अरे तकिया मिलेगा? अरे एक तकिया में हमारा काम नहीं चलता भाई, दूसरा भी टिकाना होता हमको। अरे गर्दन दुख रहा भाई, दे दे तकिया। क्या बोला, नहीं देगा तकिया? चलो बक्सा लग कर लाओ, चखना देंगे तुमको हम। दे दे यार बिग बॉस, काहे परेशान कर रहा रे, नहीं देगा फक्सला। अरे भाई नाच बोलिए, कैसे हैं भाई? अरे रात को बात की बातों को भूल जाइए, हैं एक एक जरा रोटी बना के दे दीजिए। हैं नहीं देंगे? अरे बदतमीज, रोटी मांग रहा यार। अरे अरे सुन सुन सुन, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सस्यकाल, केरो हाल है, कैसे का, नमस्ते, वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14, यानी कि बिग बॉस सीजन 14 का रिव्यू विद मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? तकिया वर्सेस रोटी, आई मीन तकिए और रोटी के जंग में आज जो 1.5 घंटा ये टॉपिक खींचा गया है, लिटरली स्पीकिंग इतना बड़ा जाएगा मैंने सोचा नहीं। लेकिन गाइस, आज जिस तरह से अली गोनी ने जैस्मिन को ये बात बता दी कि जैस्मिन तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रूबीना की पपेट दिखाई दे रही थी, इतने दिनों से रूबीना जो कह रही थी वो उसके हाँ में हाँ मिला रही थी, ये बात अली अगर घर में घुसते हुए कहता तब इस बात में कुछ वजन होता। लेकिन अब वो आकर ये कह रहा है कि रूबीना की तुम पपेट लग रही थी। एंड जिस तरह से आज अली ने एक और बात कही कि बिग बॉस ने हमारे अंदर जो जानवर बसा हुआ था, यानी कि एक दूसरे के साथ जो फीलिंग्स थी उसको जागृत करने के लिए आज ये टास्क रखा, यानी कि दोनों को बिड़ाने के लिए। एंड अब हमारे एक दूसरे के दिल में क्या है, स्पेशली रूबीना के दिल में जैस्मिन के लिए क्या है, वो बाहर आ चुका है। एंड जिस तरह से रूबीना ने आज ये साबित कर दिया के उसूल, आदर्श, परंपरा, ये सबसे बड़ी है मेरा भाई, रोटी से भी बड़ी है भाई, नच बोलिए रोटी नहीं दिया साले। तो गाइज, आज रूबीना ने एक बात साबित कर दी कि शी इज अ वुमन ऑफ अ वर्ड्स। एंड अभिनव ने यह साबित कर दिया कि वो अपने पत्नी के लिए किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन गाइज, जब पत्नी खुश नहीं हो तब पति की जो भी चीजें वो कर ले, पत्नी के लिए वो कोई भी काम की नहीं है। एंड गाइज, आज निकी ने जिस तरह से एजाज का भरोसा तोड़ा, एजाज लुकिंग लाइक अ लॉस्ट सोल देयर, इतना मेहनत से उसने उसके लिए रूम अरेंज करवाया, निकी जाके कारण कर दिया। जिस तरह से जैस्मिन भी रूबीना के ऊपर हावी होते हुए दिखाई दी, सब लोग अपने जो पत्ते हैं वो खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिनव आज काफी स्ट्रांग लगा मेरे को, हाँ उसने नादानी की बहुत सारी बचकानी और बेवकूफ हरकतें की, लेकिन गाइस जिस तरह से वो आज अपने पत्नी के लिए खड़ा हुआ वो भी वाकई में काबिले तारीफ थी। लेकिन गाइस, इन सारी चीजों में पवित्र पुनिया थोड़ी लॉस्ट आउट दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी गाइस, पवित्र पुनिया सर्वाइव करती है या नहीं करती है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गाइस, सभी लोगों को पता है किचन जो है वो अली एंड कंपनी, यानी कि अली जैस्मिन इनके हाथों में आ चुका है, बेडरूम चला गया है एजाज एंड कंपनी के हाथ में। तो गाइस, अली कहता है कि यहाँ पर प्लीज तकियों का प्रबंध कर लीजिए या फिर सोने का कुछ प्रबंध कर ले पवित्र पुनिया को। तो पवित्र पुनिया अलॉन्ग विद डिस्कशन विद रूबीना डेलिक ये डिसाइड करते हैं कि बैटरी ज्यादा नहीं दीजिए माइक की, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अली कहता है खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट चाहिए, मैं भी 1 घंटे के बाद सोच के तुम लोग को दूंगा। हाँ लंच चाहिए, 2 घंटा सोच कर दूंगा। पुनिया बोलती रुक जाओ यार, किसको किसको बेड मिलेगा हम बता रहे हैं तुम लोग को। हाँ राहुल एंड टीम बोलते हैं तुम लोग बेशरम लोग, हम लोग ने तुम लोग के लिए खाना बनाकर सबसे पहले दिया, हम लोगों ने नहीं खाया और तुम यहाँ पर डिसाइड करके बताओगे हमको। पुनिया रूबीना कहती है अरे भाई हमने खाली इतना बोला है कि वेट कर लो। लेकिन अली के पास सबर का मादा नहीं था, उन्हें झगड़ा करना शुरू कर दिया। जैस्मिन ने कहा कि आग मत लगा। निकी कहती है देखो यार, अगर तुम मुझे बेड दे दोगे ना तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा संडास दे दूंगी। अरे ये कौन सा ऑफर है भाई, महिला क्या बोल रही है भाई, देखिए आकर बेड दे दीजिए, संडास ले लीजिए। है तो पुनिया गैंग को ऑफर देती है। एंड निकी का फेवरेट डायलॉग, तो शो में क्या कर रहा है, तू तो दिखता ही नहीं है, तू क्या कर रहा है, दिखता ही नहीं है, ये उनका डायलॉग काफी मशहूर हो चुका है। तो गाइस, यहाँ पर वो वापस से आकर इन लोग रूबीना को भी कहते हैं शो में दिखता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन आज राहुल ने एजाज फिर से भिड़ते हुए दिखाई दिए, कल उसको डिंडोशी का रैम्बो बोला और फिर झगड़ रहा है। एजाज कहता है कि मैं तेरा वर्कर नहीं हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे को। राहुल बोलता है मेरे को भी कोई शौक नहीं, समझा ना, तू आके पूछ रहा था बेड चाहिए क्या चाहिए, इसे तेरे को मैं बोला, समझ में आ गया। अब निक्की यहाँ पर एकदम ठुठर रही है, दांत पीस रही है, एजाज को बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर आया था निक्की के लिए। एंड ये एजाज की खासियत है कि उसका दिल बहुत ही नरम है, लेकिन दिल नरम है लेकिन वह लड़की गरम है, एंड उसका दिमाग भी एकदम पोकल है, एकदम पगली लड़की एकदम। अब निक्की के लिए बेचारा एजाज बोलता है रूबीना बाहर बैठी थी,
उन्होंने रूबीना की तबीयत भी ठीक नहीं थी, उसको भी अभिनव जाकर बिस्तर पे सुला दिया जाकर। अभिनव और यहाँ पर पुनिया बैठे थे, उन्होंने बोला रुक जाए एजाज, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर डिसाइड करना कि निक्की को अंदर रूम में लेना है या नहीं लेना है, अभी निक्की को बाहर ही रहने दो। एजाज बोलता है नहीं, वो ठुटोर रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाके बात कर लूंगी। हाँ एंड गाइस, वहां पर जाकर कविता के ऊपर वापस निक्की चढ़ रही है कि वो कल का डिसीजन लिया अनफेयर था। कविता कहती है मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं, सब मेरे लिए एक समान है, मेरे को आके सब मत बोलना है। निक्की और कविता के बीच में झगड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। वेल मींस कविता इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग एज अ कैप्टन, वन ऑफ द मोस्ट अनबायस्ड कैप्टन्स कहूंगा मैं, ओके, काफी लॉयल है सबके सबके लिए। अब गाइस यहां पर अली कहता है कंबल नहीं मिलेगा ना हम लोग को, तो कल इन लोग को चाय भी नहीं मिलेगी, रोटी भी नहीं मिलेगी, याद रखना। पुनिया कहती है अभिनव तुम ये काम करो, ये जो दरवाजा है ना यहाँ चौकीदार बन के बैठ जाओ ताकि को रात को अंदर नहीं आ सके जाने सके। अभिनव बाग सलाहकार रात को चौकीदार बना दिया बे हमको, तो उसको चौकीदार बना दिए पनौती अभिनव को। अब गाइज निकी यहाँ पे कहती है अभिनव नल्ला क्या करता है, एक हफ्ते से पहले वीक से उस नल्ले ने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। एंड एजाज कहता है नहीं निक्की को बुखार है, मैं उसको अंदर लूंगा। अब गाइज यहाँ पर अभिनव कहता है कि भाई उसको कंबल दे दिए ना बाहर, वो सो रही है बाहर बैठकर, तुमको क्या जरूरत है एजाज खान उसको अंदर लेके आने के लिए। लेकिन एजाज खान किसी की लेफ्ट नहीं सुनता, किसी की राइट नहीं सुनता, एंड वो जाकर सीधा अली को बोलता है उसको अंदर भेजने के लिए। अभिनव झगड़ता है कि भाई एजाज तेको महान बनने का इतना शौक क्यों है। राहुल वैद्य बोलता है इसको महान बनने का बहुत शौक है, बहुत शाणा बनता है अपने आप को। हाँ राहुल बोलता है एजाज तू एक नंबर का नकली आदमी है, फट्टू है, तेरी आवाज है फट्टी हुई एक नंबर की। अब गए निकी को एजाज इतनी जद्दोजहद करके अंदर लेता है। निकी क्या करती है पता, रात को लगली ब्रश चुराऊंगी जाके, ब्रश चुरा रही है मेकअप के अंदर बैठकर। जस्ट फॉर फुटेज एजाज खान का पूरा पानी उतार दिया। रूबीना उठती है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। रूबीना बोलती चलो उठो 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 बाहर निकलो यहाँ से। निकी बोलती मैं कुछ भी करूंगी, मेरा गुटका मेरा बिस्तर मैं कुछ भी करूंगी, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, हैं? रूबीना बोलती है एजाज तुम बहुत महान बन रहे थे ना, देखो ये लड़की क्या कर रही है। अभिनव बोलता है निक्की तेरी चोर मेंटालिटी है। अभिनव शायद नॉमिनेटेड है इसलिए बहुत जोश में, आजकल ऐसा खेलता रहा तो सर्वाइव जरूर करेगा गेम में। एंड कहते हैं निक्की तेरी एकदम चोर मेंटालिटी है। हाँ राहुल कहता है एजाज तो है ही बेवकूफ, हाँ निक्की को अंदर ले लिया उसने, एक नंबर का बेवकूफ आदमी है वो। चीचा एकदम परेशान, चीचा अरे क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे दोस्ती में खड़ा बैठ के वहां पे। अभिनव कहते हैं निक्की तेरा गोबर दिमाग है। एजाज बोलता अरे मत ले निक्की, तेरे को क्या जरूरत है बे तेरे को ब्रश लेने की, मत ले। अभिनव कहता है ए निक्की तूने ना तेरे को अंदर बुलाया तेरे को, हाँ ये प्यार से अच्छे से रखे, तू ये क्या कर रहे बाहर जाकर सबको बोल रहा। अभिनव अरे भाई ए भाई निक्की को बाहर बुला लो भाई, कुछ करो, सब हेल्पलेस है। अब अभिनव कहता है तुम साले अंदर इसको नहीं बुलाओगे ना मैं भी जाकर चाय बनाऊंगा। वो भागता किचन के अंदर चाय बनाने के लिए, जैस्मिन उसको चाय बनाने नहीं देती है, एक दूसरे पे गर्म पानी गिर जाता है। अली फुल चढ़ जाता है अभिनव के ऊपर, बोलता है दूर से बात कर, समझ में आ गया ना एकदम, तुम लोग को अक्ल नहीं है क्या, तुम लोग अनपढ़ हो क्या, हाँ तुम लोग ने खुद नहीं लिया ना। अभी वो खुद एजाज खान ने अंदर लिया था उसको, अब वो चोरी करे कुछ भी करे इन लोगों का क्या लेना देना अली गैंग का। हाँ अली मस्त चढ़ गया अभिनव के ऊपर, रात भर वो चौकीदार बन के बैठा। अब सुबह हुई जो गाइस यहाँ पर निक्की को लोग बाहर निकलने नहीं दे रहे, उसको लगी पेशाब मतलब बाथरूम जाने का उसको, एंड वो यहाँ पर उसको जाने के लिए दे नहीं रहे, एंड वो बैठी हुई चिल्ला रही है चिल्ला रही चिल्ला रही है। एंड अभिनव वहां दरवाजा है वहां पे चौकीदार बन के बैठा हुआ है, फुल गुस्से में उन लोग। एंड यहाँ पर जैस्मिन कहती है रूबीना रात को तुम तमाशा देख रही थी बैठ के, कुछ किया नहीं। रूबीना बोलती है इमेच्योर बात मत कर जैस्मिन, मेरे को तेरे से ये एक्सपेक्टेड नहीं कि तू ऐसी बात करेगी मेरे को। हाँ अभिनव दरवाजा पकड़ के बैठा हुआ है। जैस्मिन बोलती तुमने शुरू किया, मैंने नहीं शुरू किया। रूबीना बोलती अच्छा मैंने शुरू किया ना, अभी एंड दिस बस कर दो। जैस्मिन बोलती है हाँ इट्स ओवर, हमारी दोस्ती एकदम ओवर हो चुकी है। वो एजाज खान अंडे लेके बैठे अंडे छुपा कर। अब निक्की फुल दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। रूबीना कहती है जैस्मिन एक्स्ट्रा मत बोल, तू ये मैटर को बहुत ज्यादा ड्रैग कर रही है। जैस्मिन दरवाजे को पीटते पीटते बोलती है तूने मैटर स्टार्ट किया, मैंने नहीं, समझ में आ गया। अब गाइस ये तो बात सभी लोगों को पता है, ये रुस्तम जी बिल्डिंग है मलाड में, वहां पर ये जैस्मिन एंड रूबीना सब साथ में रहते हैं। अब निकी क्या बोलती है ए जैस्मिन एक काम कर पूरा बिल्डिंग छोड़ दे जाकर, मत रहे इन लोग के साथ हैं। अब फूल चढ़ गए यहाँ पर। लेकिन गाइस यहाँ पर निकी बोलती है रूबीना तेरे इशारे पर मैं नहीं नाचूंगी, तू अपने पति के इशारों पर नाच। अब गाइस राहुल यहाँ पे काफी ज्यादा उपशब्द का प्रयोग करता है,
लेकिन गाइस बहुत लोग ये कहेंगे कि राहुल की स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, लेकिन गाइस थोड़ा उसे सोच के बोलना चाहिए जब वो बात कर रहा है। यहाँ पे वो कहता है कि रूबीना तो एक नंबर की अड़ियल औरत है, हाँ तू सबसे बड़ी धोखा है, तू पायस नहीं है रूबीना, तू पागल, तू गधी औरत है। हाँ रूबीना बोलती है औरतों की थोड़ा इज्जत करो राहुल। राहुल बोलते सबकी इज्जत करता तेरी नहीं करता, समझा ना। निक्की बोलती अबे ओए नल्ले नपाट अभी ना, चल हट माला जाऊ दे, जाने दे मेरे को, नाटक मत कर जा समझ के, समझा तू। हाँ कविता बोलती है मैं कैसे झगड़ू निक्की के लिए, मेरा मुंह ही ना छोड़ा झगड़ने के लिए। हाँ निक्की बोलती जाने दे मुझे बाथरूम, जाने दे बाथरूम आया मेरे को। अभिनव बोलता जो करना है करो, भाड़ में जाओ, मैं यहाँ बैठूंगा नहीं, उठ के उसको बाथरूम जाने चले जाते। निक्की बोलते नल्ला हार गया अभिनव नल्ला। अभिनव कहता रूबीना तुमने राहुल के साथ बातचीत क्यों की, उसने मना किया था, रूबीना अभिनव से मना किया था कि तुम झगड़ा नहीं करना किसी से, किसी से बातचीत नहीं करना। एंड यहाँ पर रूबीना खुद बैठकर राहुल से गपशप कर रही है बैठकर। हाँ अब गाइस यहाँ पर अभिनव कहता है हाथ लगा के दिखा मेरा सामान, क्योंकि गाइस निक्की का इन लोग कुछ सामान वहां से बाथरूम से इधर उधर कर देते हैं। निक्की जाती है अंदर फुल फाड़ देती है, डब्बों पे लात मार देती है, पेटियों पे लात मार देती है, कहती है प्रोटीन शेक ब्रेक कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम सारे गधे के पिल्ले, फुरोना शुरू कर देती है। निक्की कहती है मेरे अंडे तोड़ दिए तुम लोगों ने, अंडे तोड़ दिए, अंडे तोड़े तुम लोगों ने। फिर जैस्मिन रूबीना भड़क जाती है, जैस्मिन कहती है कि यू नो, रूबीना कहती है हम बेगैरत नहीं, निक्की ने मेरा गुस्सा देखा नहीं है, निक्की ने मेरे बॉक्सेस को तोड़ दिया है। निक्की कविता को झगड़ा होता है, कविता बोलती यू कैन नॉट ब्रेक द बॉक्सेस, बॉक्सेस नहीं ब्रेक कर सकते हो। निक्की बोलती है बॉक्स ब्रेक नहीं किया है, सिर्फ लात मारा है उसके ऊपर। रूबीना बोलती है जैस्मिन आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। पुनिया बोलती है जब से इसका दोस्त आया ना अली, जैस्मिन के मिजाज बदले बदले लग रहे हैं। एजाज बोलता है मेरे मुंह पर तमाचा पड़ गया, मेरी गलती है, मैं निक्की को अंदर लेके आया, यार अभिनव मैं क्या करूं। अभिनव बोलता है 23 साल की लड़की, हाँ हम लोग को एकदम बेवकूफ बना दिए उसने। रूबीना बोलती है चाय नहीं चाहिए मुझे, अब लफड़ा शुरू होता है चाय का। अब जैस्मिनिया क्या करती है पता है, जैस्मिनिया 4 पराठा लेके आती है। अब अभिनव का पप्पू चले देखो, अभिनव पप्पू चले करता है ऑडियंस की नजर में, लेकिन बेचारा दिल से बहुत साफ है। जैस्मिन 4 पराठे लाती है, चाय लाती है, अभिनव बोलता है देखो चाय और पराठे आ गए। रूबीना ए पागल क्या क्यों खा रहे तू पराठे, हाँ पराठे अबे पागल, वो पराठे 4 है ना, 4 लोगों के लिए। अभिनव नो 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 वो सिर्फ मेरे लिए है, चारों के चारों मैं खाऊंगा। रूबीना बोलती है अबे पागल जाके पूछ ले एक बार, अपना दिमाग यूज कर, समझ में। अभिनव बोलता है तुम अपना दिमाग यूज करो रूबीना, साइंस मैं भी पढ़ाऊ, साइंस तुम भी पढ़े हो, चलो खाओ पराठे। रूबीना बोलती है मेरी इज्जत मुझे प्यारी, मैं पराठे नहीं खाऊंगा, खाऊंगी। अली बोलता है सर पे मत चढ़ा उनको, समझ में आ गया। रूबीना बोलती है बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, समझ में आ गया, मेरे को जो करना है करूंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी, जाके पूछ के अभिनव वो पराठे किसके है, कौन था रसोई में, तुम थी मैं थी कौन था। यहाँ पर अभिनव जाता है पूछने के लिए, जैस्मिन बोलती है वो पराठे है ना एड़े तेरे लिए नहीं है, 4 लोगों के लिए 4 पराठे। पूरा अभिनव पानी पानी हो जाता है, बोलता है अरे मैंने गलती से पराठे खा लिए, प्लीज थोड़ा और पराठे दे दो ना। रूबीना वो सर पकड़ ले कि मैं इस लड़की से झगड़ा कर रही हूँ, मेरा पति मेरा ही पोपट कर रहा है जाकर। रूबीना बोलती इतने छोटे पराठे बनाए, हाँ इतने छोटे पराठे, वो चल पराठे पराठे दे दो, पराठे दे दो, पराठे खा लिए हम लोगों ने। हाँ रूबीना बोलती है अभिनव मैं चाहती हूँ जैस्मिन से बात नहीं करो, और तुम जाकर सब पराठा मांग रहे हो। अली बोलता है पराठे मत देना, रात को मुझे तकिया नहीं दिया, हाँ कुत्ते जैसा मैं सोया था, नींद भी नहीं आई, पराठा मत देना। जैस्मिन लेकिन फिर भी उनको खाना दे देती है। एंड अभिनव बोलता है देखो बीवी मैं वापस आ गया पराठे लेकर। रूबीना बोलती है अरे बेशरम तेरे को शर्म नहीं आ रही, मना कर रही है ना जैस्मिन के पास जाके पराठे नहीं मांगने के लिए। अभिनव बोलता दिमाग लगाओ। रूबीना बोलती है अभी इडियट अभी तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट किधर गई, तू खूब इतना सुनाई उसकी बीवी ने उसको, वो बेचारा पानी ला रहा है पराठे ला रहा है उसकी फुल बजा रही है। एंड गाइस यहाँ पर अभिनव कहता है हम हट्टे खट्टे लोग सुबह नाश्ते में 4 पराठे खाएंगे, अब तकिया नहीं दिया रोटी नहीं दी, तकिया नहीं दिया रोटी नहीं दी, इस पे झगड़े सब लोग। अली बोलता है जैस्मिन तेरे खातिर मैं चुप बैठ रहा था, लेकिन अब ये लोग तेरा काट रहे, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, समझ में आ गया। अभिनव बोलता है रूबीना खा ले बीवी प्लीज खा ले, तेको साइना साइना। रूबीना बोलती नो मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को आदत है व्रत रखने की, समझ में आ गया। रूबीना अभिनव को बोल भी रही है आंखें खोलो, तुम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, जैस्मिन को ये प्रोटेक्टिंग लगा, जैस्मिन बी इंटेलिजेंट इनफ,
टू रीड इट, गो जैज इट अराउंड। खूब सुनाती, मतलब अभिनव का सुनने का दिवस था। एंड एजाज कहता है, रात को है ना बाबा, तेरे को मालूम है निक्की अपने आप से बात कर रही थी। अली बोलता, हाँ मैंने देखा निक्की अपने आप से बात कर रही थी। निक्की के पूरी बैटरी लगता है बैटरी उड़ चुकी है, रात को अपने आप से बैठ के बात कर रही थी। एंड यहाँ पे एजाज ने ये भी कहा कि रात को जो भी झगड़ा हुआ, मेकअप ब्रश का, सब निक्की ने अटेंशन के लिए किया है, उसको कोई कुछ नहीं हो रहा था। अब गाइस यहाँ पर अली कहता है, ये टास्क जो था यास्मीन रूबीना के अंदर की भड़ास को निकालना था, अब तेको पता चल गया ना क्या है रूबीना के अंदर, अगली बार उसका पपिट मत बनना। अब गाइस यहाँ पर रूबीना कहती है, मेरा व्रत टूटेगा या तो उनका गुरूर टूटेगा। अभिनव बोलता, अरे माँ की आंख मौसीची, मैं जा रहा हूँ खाना खाने एजाज। अरे मौसीची मत, दाल ना चावल लेता, खवा कब खा रहा है बैठकर, एकदम फुल फॉर्म में खा जाता बैठकर। एंड गाइस यहाँ पर अभिनव भी जाके खाना खा लेता है। रूबीना कहती है, दे आर अ ब्लॉट ऑन ह्यूमैनिटी, हाउ कैन दे स्टॉप द वाटर, हाउ कैन दे स्टॉप द फूड। हाँ कविता बोलती है, अरे भर पेट के खाना दे दो इनको, इंग्लिश में मत बात करो। कविता बिछड़ जाके अंदर बोलती है जैस्मिन को, खाना दे दो यार, भूखा मत रखो किसी को, समझ में आ गया। हाँ लोग बोलते हैं तकिया नहीं दिया, ये बोलते खाना नहीं दिया, पूरा तकिया खाना पे दिमाग की माँ बहन हो गई थी, पतले पराठे बना दिए। अब गाइस कल जो है ना, यहाँ पर रूबीना और जैस्मिन के बीच में लफड़े होने वाले हैं। रूबीना यहाँ पे बोलेगी जैस्मिन को, तू फेस टू फेस बात कर मेरे से, पीठ पीछे जाके मत बात कर, वॉच योर वर्ड्स, योर बींग इमेच्योर, समझ में आ गया। रूबीना कहती है, ये लोग किसी का पेट नहीं भरते हैं, हाँ दिस इज इनह्यूमन गर्थ। एंड अली कहता है कि इनकी असलियत सामने आ गई ना। अच्छा अली ने रूबीना को कड़ाई वाली शक्ल भी कहा है, तो रूबीना डेले के जितने फैंस हैं जाकर चढ़ जाओ अली गोनी पे, अली गोनी जितने फैंस चढ़ जाओ रूबीना के फैंस के ऊपर। तो गाइस कल शौचालय के में झगड़ा होने वाला है, यहाँ पर रूबीनिया और जैस्मिनिया दोनों झगड़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर जैस्मिन रूबीना को कहेगी कि बाहर की बातें मत घुमाओ, वरना अगर मैं बोलने पर आ गए पर्सनल चीजें तो नेशनल टेलीविजन पर अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे क्या राज है मेरा भाई इनके बीच में, तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल आज का एपिसोड रहा पराठों के बीच में, एंड आज का एपिसोड रहा यहाँ पर तकियों के बीच में। इसी के बीच चलती रही निकी एडा बन के पेड़ा खा के अंदर सो के भी आ गई, और क्या करके आ गए, राहुल भैया ने फूल एजाज खान के फिर से बजा दी। एंड एजाज खान बेचारा अपने मस्ती में दाल चावल खा रहा है, इधर से उधर घूम रहा है। आई थिंक पुनिया एजाज का जो केमिस्ट्री थी, जो मेकर्स दिखाना चाहते थे, वो खुल के वापस नहीं आया, तो वो पूरा वो हो गया। आई थिंक पुनिया आउट हो जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कौन आउट होगा इस हफ्ते, मुझे लगता है पुनिया चले जाएगी। क्योंकि रूबीना काफी अच्छा खेल रहा है, रूबीना भी काफी स्ट्रांग खेल रही है। आई सी रूबीना यू नो एंड जैस्मिन इन द टॉप थ्री अलॉन्ग विथ राहुल वैद्य। लेट्स सी एजाज खान फिट होते हैं या नहीं होते इन टॉप थ्री में। लेकिन फॉर मी अभी हाफ वे आ गया है, बहुत तो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आपके टॉप फाइव कौन है, तो नॉट इन एनी ऑर्डर, बट आई थिंक एजाज खान, राहुल वैद्य एंड जैस्मिन एंड रूबीना, ये मेरे टॉप फोर है। अभी फिफ्थ मेरे को नजर में कोई आ नहीं रहा है, लेकिन टॉप फोर एजाज, राहुल, जैस्मिन, रूबीना, दीज आर माय टॉप फोर। ओके लेट्स सी गाइस, अभी बातें चल रही है कि शायद मेकर्स वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आने वाले हैं, प्रीवियस कंटेस्टेंट्स के लोग वापस से आने वाले हैं, तो बिग बॉस 13 के कुछ लोग वापस ही घर में आएंगे। लेकिन अभी तो कुछ कन्फर्म नहीं हुआ, जैसे कुछ होगा मैं दिन के टाइम पे स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। पता नहीं गाइस नोटिफिकेशन जा नहीं रहे, आपको वीडियोस पहुंच नहीं रहे, लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं जा रहे तो प्लीज सुबह उठ के वीडियोस देख लीजिए। साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन।